start the revision, right? हम पहले as you are saying that structure of atom में से average atomic mass, तो for the average atomic mass we did the number of the questions 9C and D, we did the number of the questions on this, but whatever the question is there, if they will ask you the 3 or 4 isotope, so the formula will remain the same. Average atomic mass equal to mass of the first isotope multiplied by percentage plus mass of second multiplied by percentage divided by 100. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे if I am taking the question, suppose I am just taking 1H1 we had discussed, 1H2, 1H3, है ना? Isotope of hydrogen we had discussed, protium, deuterium and tritium, and protium is also called the hydrogen. Or deuterium मतलब the question can come HDT, that means protium, deuterium and tritium. अब यहाँ पे यहाँ पे 3 isotopes है. मैं इसका एवरेज एटॉमिक मास वी वांट टू कैलकुलेट. नाउ व्हाट वी विल डू, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई परसेंटेज, मास ऑफ सेकंड, यहाँ पे थर्ड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं है, या आपको अगर 3 या 4 दिए हुए हैं तो दे विल गिव यू कि कैलकुलेट दिस थिंग. In this case A, B, C, there are the 3 isotopes. So we have used the same formula. That is the mass of first isotope. That is 75.23 multiplied by 24.1% plus 74.61 multiplied by 48.7%. Third, 75.20 multiplied 27.2% divided by 100. मीन्स कोई भी फार्मूला हो, जितने मर्जी आइसोटॉप्स आपको गिवन है, इफ दे हैड गिवन यू द परसेंटेज एंड द मास नंबर, यू हैव टू पुट इन दिस फार्मूला एंड कैलकुलेट इट. ठीक है, देयर इज मतलब नो इशू कि इफ दे आस्क यू द 3 आइसोटॉप यू हैव टू फाइंड आउट बाय दिस वे, यू विल मल्टीप्लाई दिस. मैं एक सिंपल पहले करवाती हूँ, फिर हम इस पे आते हैं. अगर मेरे पास है 35 ब्रोमीन, 79 and 35 bromine 81. ठीक है, the same formula we will apply. Mass of the first isotope that is 79 multiplied by percentage इसकी है 50 point something है ना, 50 percentage इसकी 49.7 plus 81 multiplied 50.3 divided by 100. ठीक है, आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेना है. Divided by 100, it will become 80.00 U. By this we can calculate the average atomic mass. इसकी calculation की है किसी ने 3 isotopes की? किसी ने इसकी calculations की है? Anyone? 9 C and D, is it clear beta? Is it clear? अगर हमने ये तो सिंपल हो गया, एक क्वेश्चन आपके पास है
the average atomic mass of an element X is 16.2 U. ये आपको गिवन है ना, एक और न्यूमेरिकल है कि एक एलिमेंट है X जिसका एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 U. ठीक है, इट एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप 8X16 एंड 8X18. हियर यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बोथ द आइसोटोप. फॉर कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज वी हैव टू एज्यूम, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज नहीं गिवन. टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100. ठीक है, सो व्हाट वी विल अज्यूम, वी विल अज्यूम दैट इट्स की परसेंटेज ए है. ठीक है, लेट अस सपोज 8x16 परसेंटेज इज एक्स. ये गलती मत करना, द आइसोटोप रिटर्न फर्स्ट, कंसीडर इट एज अ फर्स्ट. अपनी मर्जी से इंटरचेंज मत करना. 8x16 की परसेंटेज हमने ए मान ली, तो दूसरे की कितनी होती है, टोटल परसेंटेज कितनी है 100. 100 में से एक की ए है, तो दूसरे की कितनी होगी 100 माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज हो गई 100 माइनस ए. क्लियर? मैंने एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एलिमेंट का नेम एक्स है. राइट, नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन 16.2 U. मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप 16 मल्टीप्लाई परसेंटेज एक्स प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप 18 परसेंटेज 100 माइनस ए डिवाइडेड बाय 100. बेटे अगेन आई एम सेइंग अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं करने. वट एवर इज रिटर्न एट द फर्स्ट पोजिशन कंसिडर इट एज अ फर्स्ट. नाउ इट विल मल्टीप्लाई 16 ए प्लस 18 ब्रैकेट के बाहर है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद बोथ द नंबर्स. ठीक है, बोथ यू विल मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 1800 माइनस 18 ए डिवाइडेड बाय 100. 16.2 इधर 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ रह गया 16 ए प्लस 1800 माइनस 18. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 1620, पॉइंट हट गया. ये आ गया माइनस 2a प्लस 1800. 1620 माइनस 1800 इक्वल टू माइनस 2a. ये 1800 इधर आ गया, इट विल बिकम माइनस 180 माइनस 2a माइनस माइनस कैंसल. 180 डिवाइडेड बाय 2 90. ए की परसेंटेज आ गई 90%. 100 माइनस ए करके दूसरे की आ जाएगी 8x16 की, ये आ गई 100 माइनस 90 8x18 की आ गई 10%. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज आस्क. यस नाइसी, एनी डाउट बच्चा, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसकी रिवीजन. एवरेज एटॉमिक मास वी हैव टू कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला. राइट, तो क्लोरीन वाली जो हमने करी थी ना, द क्लोरीन का जो हमने करा था 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37 इज इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो रेशियो चेंज करके भी दे कैन गिव यू, किसी और तरीके से दे दे. अगर किसी के 3 आइसोटॉप्स हैं तो दे कैन आस्क यू 2 2 3 2 करके या 2 3 4 करके, तो यू हैव टू कैलकुलेट इन द सेम वे. नाउ मोल कॉन्सेप्ट में अच्छा मेक श्योर दो फार्मूलाज वी विल यूज, टू फार्मूलाज. फर्स्ट फार्मूला इज स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. ठीक है, यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड बट दिस इज द बेस्ट मेथड बिकॉज इन 9th क्लास इट्स नॉट इन दैट मच एक्सटेंट की यू हैव टू यूज डिफरेंट क्वेश्चंस आपको हैं. नो डाउट इन प्लस 1 वी विल डिस्कस द सेम चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट. सेकेंड फार्मूला यू विल यूज n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n नॉट.
This is your second formula. Small n number of moles. Small m given mass. Capital M molar mass. ठीक है. In this n is, ये कुछ भी हो सकता है. Number of molecules, atoms, ions, particles. हम इसको n को consider करते हैं, right? This small n number of moles. And this n naught or n a कहीं कहीं लिखा होता है. This is Avogadro number. This is Avogadro's number जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10^20. These two formulas we will use depending upon the question what they are asking. Suppose they are saying calculate the number of. पहला question I am putting calculate. The number of moles. Simple ले रही हूँ. पहले मैं calculate the number of the moles in 52 gram of helium. 52 gram of helium. Now how we will calculate? Now they had given the 52 gram. That means और calculate करने के लिए क्या कहा है उन्होंने? Moles. तो formula कौन सा use होगा? This one. N is equal to small m upon capital M. n निकालना है. स्मॉल m दे हैड गिवन 52. मोलर मास किसका? हीलियम. सेकंड पोजीशन पे है तो मास नंबर कितना हुआ इसका? 4. ठीक है. 13 इज योर आंसर. तो आपने साथ में लिख देना 13 मोल. Is it clear? ठीक है जी. अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, अब मोल्स ही निकालने हैं, बट 12.044 × 10^23 ऑफ हीलियम एटम. अब यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट मोल. आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब पहले आप इसके थ्रू निकाल सकते हो फिर आप उसमें पुट कर सकते हो. अदरवाइज बेटर टू पुट इन दैट केस. अब उन्होंने आपको ये दिया यानी कि दे हैड गिवन द एन, ये वैल्यू ये है. ठीक है. अब हमने क्या करा? फार्मूला लगाया एन इज इक्वल टू एन इंटू एन नॉट. ठीक है. अब यहां से n कितना गिवन है? 12.044 × 10^23. n निकालना है. एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10^23. तो व्हाट वी विल डू, आपको कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आएगी. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग. तो आपके पास आ गया 2 मोल्स. दिस इज योर आंसर. आपने दो चीजों की तरफ ध्यान देना है. आर दे टॉकिंग अबाउट एटम्स और दे टॉकिंग अबाउट द मोलिक्यूल्स. जैसे एक क्वेश्चन आपका और है नाइट्रोजन वाला, मैं वो बता देती हूँ. अब इसमें वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास. Calculate the mass. अब इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग 3.011 × 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. यहां को कह रहे हैं नाइट्रोजन एटम. दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 6.22 × 10^23 ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2. आपको ये ध्यान रखना आर दे टॉकिंग अबाउट द एटम और द मॉलिक्यूल. अगर एटम है तो वो सिंगल है, मॉलिक्यूल है तो वो 2 होगा. ठीक है. कैलकुलेट क्या करना है हमने? मास.
यहाँ पे गिवन क्या है, दिस वैल्यू, दैट मींस हमारी वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, दिस वन एन इक्वल टू एन इंटू एन नॉट, एन कितना गिवन है 3.011 10 रेस टू 23 एन इंटू 22 इंटू 10 रेस टू 23। यहां से आपने एन निकाल लोगे, ये आपका आ गया 1/2 यानी कि 0.5। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द स्मॉल एन, आफ्टर दैट अगेन वी विल पुट इनटू द दिस फार्मूला, एन कितना निकालना 0.5, एम हमने निकालना है मास नंबर और मोलर मास नाइट्रोजन एटम है तो 14, तो ये इधर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 स्मॉल एम, दैट इज 7 ग्राम इज योर आंसर। वन इज दिस मेथड। यहाँ पे अगेन यू विल यूज इन दिस केस, दे हैड गिवन यू दिस द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन नॉट, ठीक है, एन वी विल राइट डाउन 6.022 इंटू 10^23, ठीक है। अब मैं एन को यहीं पे ब्रेक कर रही हूं, एन को आई एम राइटिंग, मैं पहले पूरा ही लिखती हूँ, मेरे को मास निकालना है, सो आई विल पुट दिस फार्मूला हियर, मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया। नाउ हियर इट इज गिवन 6.022 इंटू 10^23 स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल एम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दैट मींस मॉलिक्यूल मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द टू, वन हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज, सेवन इज द एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14, but here it is given molecule 14 into 2 that is 28 multiplied 6.022 into 10^23, theek hai, ye ho jayega multiply by 28 divided by ye cancel, आंसर आपके पास आ गया 28 ग्राम। बच्चा इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वी हैव टू फोकस अब एन टू की जगह पे, इफ दे आस्क अस अबाउट द क्या कहते हैं एच टू ओ गिवन होगा, ठीक है, तो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास, एन टू था तो आपने सीधा, या एन था तो यू आर अप्लाइंग 14, एन टू मीन्स 2 इंटू 14 दैट इज 28, एच टू ओ मीन्स पहले इसको खोलोगे, इसका पूरे का निकालेंगे 18 ग्राम, इस तरह से वी विल अप्लाई दिस वन, ठीक है जी। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? श्योर क्लियर है? अब उसी तरह से इफ दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, अगेन द फार्मूला रिमेन्स द सेम। बच्चे इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो पूछ लो। नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, now they are saying particles, particles means again the same formula, n capital wala jo formula hai that we will use, they are saying calculate the number of particles in 0.1 mole of carbon atom, theek hai ji, mujhe kya nikalna hai particles, particles ke liye formula kya hai, n equal to n into n naught, ये मुझे निकालना है, गिवन मुझे मोल्स है, तो मेरे को सिंपली एन इक्वल 0.1 इंटू 6.22 इंटू 10^23, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक नीचे 10, ये एक खत्म हो गया,
answer is 6.022 into 10 raised to the power 22 particles. This is your answer. किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो. ठीक है. Now they are saying इसी में पार्टिकल्स निकालने हैं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन. नाउ दे आर नॉट गिविंग यू द सिंबल बट दे हैड रिटन मॉलिक्यूल तो दैट मींस ओ टू. दैट मींस ओ टू. नाउ द फार्मूला इज एन इक्वल एन इंटू एन नॉट. एन आपको निकालना है. स्मॉल एन नहीं पता हमें. दे हैड गिवन 8 ग्राम दैट मीन्स हमें इस फार्मूला को ब्रेक करना ऐसे. ठीक है. स्मॉल एम कितना गिवन है 8. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज ऑफ ऑफ ओ 8 नंबर पे मास नंबर 16 अ पैर में 2 है तो दैट इज 32. एट फोर जा 32. फोर को कट कर लो. फोर वन जा 4 कितने हो गए 20. फोर फाइव जा 0. फोर फाइव जा 1.505 इंटू 10 इज पर 20. अच्छा इज इट क्लियर. इज इट क्लियर.